दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ई श्रम कार्ड जो कि भारत सरकार ने हाल ही में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से पूरे भारत में श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का एक लक्ष्य बनाया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि पहले ही एक लेबर कार्ड जो कि जिसे हम श्रमिक कार्ड कहते हैं, ये वेबसाइट लॉन्च की थी। इस लेबर कार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन आपका जो लेबर कार्ड है बहुत सारे लोगों का सत्यापित नहीं है, इस कारण से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यदि आपका सत्यापित नहीं है तो आप करा भी सकते हैं। तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या आपके सामने दिखाई दे रही होगी, ये पंजीकरण संख्या यदि 10 अंकों में है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो लेबर कार्ड है वो सत्यापित नहीं है। यदि ये संख्या आपकी 10 से यानी कि बढ़कर 14 अंकों की हो जाती है तो आप समझना कि हमारा जो लेबर कार्ड है वो सत्यापित है। तो यदि आपका लेबर कार्ड सत्यापित नहीं है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आपको सत्यापन कराना पड़ेगा। आप अपने जनसेवा केंद्र पर जाकर वहां पर आपको अपना लेबर कार्ड ले जाना पड़ेगा और वहां पर जो बैठा व्यक्ति आपका लेबर कार्ड का आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या डालकर आपके द्वारा फीस पे करनी होगी, उसके द्वारा आपका सत्यापन हो जाएगा। दरअसल हुआ यह था कि पिछले साल कई लोगों ने अपना लेबर कार्ड बनवाया था, लेकिन किसी कारणवश उनका सत्यापन नहीं हो पाया था। उनका लेबर कार्ड बनाकर जनसेवा केंद्र के व्यक्ति ने आपको तो दे दिया था, लेकिन आपको पता ही नहीं कि हमारा भी वेरीफाई है या नहीं है। तो वेरीफाई, जिसको हम सत्यापन कहते हैं हिंदी में, तो सत्यापित कराने के लिए आपको फिर से जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। और यदि आपके लेबर कार्ड में 10 अंक हैं तो सत्यापित नहीं है, तभी आप वहां पर जाकर जनसेवा केंद्र पर जाकर सत्यापित करा सकते हैं। और यदि आपके लेबर कार्ड में 14 अंक आ रहे हैं तो आपको योजना का लाभ मिलता है और आगे मिलता भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था और बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे थे कि हमें इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो उनकी यही कमी है कि आपका लेबर कार्ड सत्यापित नहीं है। तो सत्यापित करने के लिए चाहे तो जनसेवा केंद्र पर जाकर आप करा सकते हैं थोड़ी सी फीस पे करने के बाद, और चाहे तो अपने नजदीकी जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है श्रम विभाग, वहां पर जाकर अधिकारियों से मिलकर आप सत्यापित करा सकते हैं। इसके साथ ही जो भारत सरकार ने अभी ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, ई श्रम कार्ड बनाए थे, ई श्रम कार्ड को भी सत्यापन कराना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ई श्रम कार्ड बना लिया था, इसी कारणवश उनको काफी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अपात्र लोग भी हैं जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है। इसकी इंक्वायरी भी हो सकती है, क्योंकि इंक्वायरी में यह पता चल जाएगा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, क्योंकि आपके प्रधान के द्वारा भी इंक्वायरी की जा सकती है। आपके जो प्रधान है, आपके गाँव का प्रधान है, वो भी आपका जो पंचायत भवन है, पंचायत घर है, वहां पर सभी लोगों को बुलाकर और आपकी पूरी जानकारी लेकर सत्यापित करके वेरीफाई करके आप आगे प्रोसेस बढ़ा सकता है। और जब आपका सत्यापित हो जाएगा तो ई श्रम से भी आपको लाभ मिलेगा और जो लेबर कार्ड है उससे भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो मैंने तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताया है कि आपका लेबर कार्ड सत्यापित है या नहीं है, सिर्फ अंकों के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट, लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका लेबर कार्ड सत्यापित है या नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे हम चेक करेंगे, आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट पर जाकर हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा लेबर कार्ड सत्यापित है या नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आपका लेबर कार्ड सत्यापित नहीं है तो आप जाकर सत्यापित जरूर करवाएं, क्योंकि आपका सत्यापन यदि नहीं है तो आपको लेबर कार्ड बनाने का कोई लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब लाभ नहीं मिलेगा तो आपको उसका बनाने का फायदा ही क्या। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी तरह से सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।